भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा की आवश्यक कामकाजी बैठक स्थानीय रघुवर गार्डन में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महापुरुषों की चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के बाद किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादव ने स्वागत भाषण में सभी पधारे अतिथियों का परिचय कार्यकर्ताओं से कराया तथा विगत दिनों पार्टी द्वारा जिले में आयोजित किए गए सभी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश टंडन ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सभी योजनाओं को हमको जन जन तक पहुंचाना है। गंज बासोदा ग्यारसपुर की विधायक श्रीमती लीना संजय जैन ने क्षेत्र में निकाली जा रही विकास यात्राओं के अपने अनुभव सभी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए। जैन ने कहा कि हमको जनता के बीच पूरी ताकत से अपनी बात रखना चाहिए कि हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। 30 योजनाओं से भी ज्यादा योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जनता के जब मीडिया बीच में पहुंचती है तो ये कहती है हमें 4 योजना का ही पता नहीं, योजना आपके द्वारा जनता तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही। देखिए, जनता तक योजनाओं का पहुंचाई नहीं गई, लाभ भी मिल रहा है। आप किसी घर में जाएंगे, किसी गरीब के यहाँ पूछेंगे कि उज्ज्वला योजना मिली कि नहीं मिली, तो बताएंगे कि मिली। आवास बना के नहीं बना तो बताएंगे। मैंने 2 उदाहरण आपको बताए। अब विकास योजना की बात अभी जो आप कर रहे थे कि विकास की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंची हैं और उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है इसे देखने के लिए सरकारी ये यात्रा है और लोग जा रहे हैं। अब विरोध की जो बात होती है तो विरोध तो क्या है कि जो राजनीतिक हमारे हमसे जो विचारधारा सहमत नहीं है वो लोग कहीं कुछ जगह विरोध कर देते हैं। कांता जी, विदिशा ज़िले में आपने जो ट्रेन की जो मांग उठाई है उसके साथ ही विदिशा ज़िले को एक उद्योग की भी जरूरत है, दोस्तों कहना क्या है ताकि लोगों को रोज़गार मिले। मैंने इसके लिए माननीय उद्योग मंत्री जी को पत्र लिखा है और बासोदा में एक ट्रेन के लिए भी आपकी जानकारी में आया हूँ। मैंने प्रयागराज के लिए पत्र भी लिखा है और लोकसभा में उस मामले को उठाया भी है। मुझे उम्मीद है, मेरी चर्चा हुई है माननीय रेल मंत्री जी से कि बस शीघ्र ही इस पे क्रियान्वयन होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।